घटना हुई है हमारी हिंदू बेटी अंकिता सिंह के साथ, जो कि पूरी तरह निंदनीय है, साथ में एक जिहादी मानसिकता का ये परिचय है जिसको हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके विरोध में आज हम लोग 11 बजे पूरे बजरंग दल, हमारा जो बजरंग दल के सेना है, पूरा मार्केट को बंद करेगा, साथ में चक्का जाम करेगा और प्रशासन से भी पूरी मांग करेगी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा के इस मामलों को जल्द से जल्द इसका निष्पादन करके इसको फांसी की सजा, इससे कुछ भी इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक जितने भी जिहादी मानसिकता के जो धनी आदमी हैं उनके भी दिमाग में ये जाना चाहिए कि इस तरह का जो भी काम करेंगे उसको फांसी ही मिलेगी। 23 तारीख का सुबह 4 बजे अंकिता कुमारी का एक लड़का के माध्यम से पेट्रोल डाला जाता है जब वो सो रही होती है, और जब उनको पता चला तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी। जब वो उठी तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी, तो उनका इलाज दुमका से रांची के लिए रेफ़र कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा या सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे। दुमका से रेफ़र करा के रांची भेज दिया गया था। रांची में ट्रीटमेंट के बीच में आज सुबह सुबह हम लोगों को सूचना आया है कि उनका देहांत हो जाता है। इस घटना के क्रम में हम कहना चाहते हैं कि सरकार संवेदनहीन है, और इस बच्ची का जो मौत होता है इसका जिम्मेदार सीधा सीधा राज का मुखिया है, क्योंकि राज में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। और लगातार इस तरह के महिलाओं के साथ आपराधिक घटना घट रहा है, और जो अपराधी है वो पूरे राज में बेलगाम है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि बच्ची का मौत तो हो चुका है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो केस का को आगे बढ़ाया गया है उसमें निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर, जो अपराधी है, कठोर से कठोर सजा दिया जाए।